शेख, मेरा क्वेश्चन क्या है बोले तो, मेरी एक बहन है, उनका शादी हो चुका है। हमेशा उसके शादी में मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है उनके शोहर से। मैं बहुत बार हेल्प भी कर चुकी हूँ, बोली मैं उसको, बोली भी तुम चाहे तो, मतलब वो बहुत मारता है, पी के उसको बहुत सताता है, फिर भी वो नहीं मानती है। 2 महीने खामोश बैठती है, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसा अब 3-4 सालों से चल रहा, तो मैं हमेशा अब ये लोग का ही प्रॉब्लम में ही उलझी रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बार बार अपनी बहन के प्रॉब्लम में ही इन्वॉल्व होकर रहती हो, तुम ज्यादा इतना ज्यादा मत रहो, तुम अपना देखो, अपना फैमिली देखो, अपना बच्चे देखो। मतलब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, मगर मेरा हमेशा जहन में मेरे बहन का ही रहता है। तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, फैमिली की तरफ जाऊं या मेरे बहन को मैं सपोर्ट करूं, कुछ समझ। और मेरी बहन भी मेरे बात नहीं सुनती है, वो तो मैं वो यही है मेरा क्वेश्चन शेख। आपका सवाल। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल सवाल के अंदर शरई मसले से ज्यादा वो एक तरह से मशवरा तलब कर रही हैं, क्योंकि उनका सवाल ये है कि उनके उनकी बहन का शौहर पीता है और पी करके मारता है। उन दोनों के दरमियान मुसलसल इख्तलाफात होते रहते हैं, फिर उनकी बहन दोबारा वापस चली जाती है। देखिए, ऐसी सूरत में शरीयत आपकी बहन को पहले तो ये हिदायत देती है कि वो अपने शौहर को समझाएं, उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डराएं। और ख़ास तौर से शराब पीने का जो मसला है, शराब ये बुराइयों की जड़ है, उसे उम्मुल खबाइस कहा गया है, बुराइयों की जड़। क्योंकि शराब पीने के बाद फिर इंसान के अंदर दूसरी तमाम बुराइयां दर आती हैं, तो शराब बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए हमारी शरीयत के अंदर इसकी इतनी ज्यादा कबाहत है। आप इसकी कबाहत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर कोई आदमी शराब पीता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शराब पी करके नशे में जाता है तो 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। 40 दिनों तक शराबी की नमाज कबूल नहीं होती है। हाँ, अगर वो तौबा कर ले पीने के बाद तो उसके बाद उसकी नमाज कबूल होगी, लेकिन शराब पी करके अगर कोई तौबा नहीं करता है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इतनी बड़ी उसकी सजा है। उसके अलावा अगर इस्लामी निजाम नाफिज हो तो ऐसे आदमी को कोड़े भी मारे जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो आपकी बहन सबसे पहले तो उनको अल्लाह और रसूल और दीन के हवाले से उनको समझाएं, और उसकी जो सामाजिक खराबियां हैं उसको समझाएं, उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो आदमी नहीं सुधरता है तो शरीयत आपकी बहन को इख्तियार देती है कि ऐसे आदमी से आप अलाहदगी अख्तियार कर लो। बल्कि अगर आदमी नहीं सुधरता है तो उससे अलाहदगी अख्तियार कर लेना ही बेहतर है। उसको आदमी उसको कुछ चांस दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सुधरता है तो ऐसे आदमी से अलहदगी अख्तियार कर लेना चाहिए। बाकी जहां तक आपका मसला है सपोर्ट करने का, तो जाहिर है वो आपकी बहन है, सिला रहमी का आपका हक बनता है। तो शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने शौहर और अपने बच्चों और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अगर आप अपनी बहन को सपोर्ट करती हैं, किसी मदद की जरूरत पड़ती है मदद करती हैं, तो ये आपका हक है, आपकी बहन का भी हक है। लेकिन ऐसा ना हो कि बहन के चक्कर में आपकी अपनी इज्दवाजी जिंदगी मुतासिर होने लगे, क्योंकि ऐसी सूरत में आपके शौहर का हक, आपके बच्चों का और आपके घर का हक, ये मुकद्दम है बहन के हक पर। तो कई दफा बहुत सारी बहनें बहनों के चक्कर में अपना घर, अपनी इज्दवाजी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। तो नौबत यहां तक नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों चीजों को लेकर आप चल सकती हैं, घर को भी अपने देख रेख कर सकती हैं, शोहर के हकूक अदा कर सकती हैं, बहन को सपोर्ट कर सकती हैं, तो आपको करना चाहिए।